फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसे कि आप यहाँ रेसिपी देख रहे हैं आलू चाट की, नवरात्रि व्रत आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पर आलू की चाट की रेसिपी शेयर करें आप लोग के साथ। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में इसी को ही शेयर किया है। ये जितनी दिखने में लाजवाब लग रही है उतनी खाने में भी बहुत ज्यादा आलू क्रिस्पी और एकदम टेस्टी है। इसको खाने से आपका पेट भी भरा रहेगा लंबे समय के लिए, और अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इसे ही बनाकर व्रत में खाना पसंद करेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरी रेसिपी को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये भी कर लीजिए और बेल आइकन को फटाक से प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, और मेरी रेसिपी को एंड तक देखिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से यम्मी टम्मी विद पूजा में। आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू का एकदम बढ़िया सा नाश्ता व्रत के लिए, क्योंकि व्रत चालू हो रहे हैं, नवरात्रि हो या बहुत सारे व्रत आ रहे हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आलू की एकदम बढ़िया सी रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए थे और आलू को मैंने सबसे पहले बॉईल कर लिया, और बॉईल कर करके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लिया है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी ये प्रोसेस कर लीजिएगा फटाक से। तो चलिए बिना देर के वे स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग आलू की चाट बनाने वाले व्रत के लिए, तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं आलू के साथ फ्रेंड्स। मैंने ले लिया है मूंगफली कूटी हुई, यहाँ पर मैंने थोड़े से ले लिए है कड़ी पत्ता, यहाँ पर मैंने ले ली है ग्रीन चिली, यहाँ पर मैंने थोड़े से टमाटर ले लिए हैं, यहाँ पर मैंने ले लिए थोड़े से कोरिएंडर, धनिया पत्ता जिसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, तो इसमें से आप जो भी चीज खाते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज आप नहीं खाते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर घी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर घी ऐड कर दे रही हूँ, ये मैंने घी की रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी वीडियो में शेयर की हुई है, तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि आप घी को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रेसिपी घी में बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा घी है उसको हम लोग गर्म कर लेंगे फटाक से। तो हमारा घी यहाँ पर गर्म हो गया है, अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे जीरा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर थोड़ा सा जीरा ऐड कर दूंगी, अगर आप व्रत में खाते तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम लोग चटकने देंगे, इसको हम लोग आराम से चटकने देंगे फ्रेंड्स। ये हल्का हल्का सॉटे हो गया है, अब हम लोग इसको जलाएंगे नहीं, बस इतना ही फ्राई करेंगे हल्का सा। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़े से करी लीव्स। तो मैंने यहाँ पर करी लीव्स ऐड कर दी है फ्रेंड्स। करी लीव्स ऐड करते ही आप देख रहे हैं बहुत जम के छींटे आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो फ्रेंड्स बस अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी हमारे आलू। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स जो बॉईल किए हुए थे आलू उसको ऐड कर दूंगी। मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर आप कोई रेसिपी, इस रेसिपी में आप दो भी चीज नहीं खाते हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इन आलू को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आलू को जीरे के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, और आप देख रहे हैं कि अभी एकदम व्हाइट कलर के हैं, अभी आप देख रहे हैं कि एकदम व्हाइट कलर के हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको हल्का सा कुक कर लेंगे। बॉईल तो ये ऑलरेडी है, बट इसके ऊपर एक लेयर आती है ना, तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर दी है, अगर आप खाते हैं फास्ट में तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं। और इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर दी आपस में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ढक देंगे फ्रेंड्स, ढककर हम लोग इसको 2-3 मिनट पकाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि इसके ऊपर एकदम अच्छी सी कोटिंग आ जाए, इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसको ढक देती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कुक कर देंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कुछ देर हो चुकी है, 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम लोग आलू को एक बार घुमा देंगे,
वाओ, आप देख रहे हैं इसके ऊपर एकदम बढ़िया सी कोटिंग आ गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर एकदम हल्की हल्की ऑरेंज कलर की कोटिंग आ चुकी है। इसी तरीके से हमें सारे के सारे आलू को हल्का हल्का फ्राई कर लेना है, सोटे कर लेना है। ट्राई करिएगा कि आप ये पूरी प्रोसेस नॉनस्टिक तवे पर ही करें फ्रेंड्स। और हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक तो थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट और इसको फ्राई कर लेते हैं, ताकि फ्रेंड्स इसका जो खाने में टेस्ट है ना वो और भी ज्यादा अच्छा आएगा। तो हम लोग 2-3 मिनट के लिए फिर से हम लोग इसको ढक देंगे, ताकि दूसरी साइड भी इसी तरीके से एकदम गोल्डन कलर की लेयर आ जाएगी इसके ऊपर। फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट के करीबन हो चुका है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। आप देख रहे हैं कितना ही बढ़िया धुआं आ रहा है और ये एकदम बढ़िया तरीके से इसके ऊपर गोल्डन कलर की लेयर आ गई है और ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और ये खाने में एकदम बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर थोड़े से टमाटर ऐड कर दूंगी और इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स हम लोग वेट करेंगे टमाटर जब तक के लिए सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो इसको फिर से ढक देंगे फ्रेंड्स, और अगर आप रात में टमाटर नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट के करीबन हो चुके हैं, तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे टमाटर है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना चालू हो गए हैं और आलू पर एकदम बढ़िया सी गोल्डन कोटिंग आ चुकी है जो बहुत ही खाने में टेस्टी लगने वाली है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ी सी मूंगफली, जिसको मैंने यहाँ पर मूंगफली ऐड करेंगे फ्रेंड्स, जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो साथ में ये भी अच्छे से थोड़ी सी सॉटे हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी करियंडर लिए हुए हैं, धनिया पत्ते, वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। अगर आप ये सारी चीजें धनिया पत्ते खाते तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस मैंने इसको मिक्स कर दिया है, अब हम लोग टमाटर को थोड़ी देर और सॉफ्ट होने देंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी चीजें अच्छे से कुक हो गई हैं, आपको दिख ही रहा है और कितना ही कलरफुल लग रही है हमारी ये चाट, आलू चाट, जो हम लोग व्रत में अक्सर अगर आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाकर खाएंगे फ्रेंड्स। 9 के 9 दिन व्रत में आप यही बनाकर खाना पसंद करेंगे फ्रेंड्स। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी व्रत वाला नमक, आप चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, आप जो भी नमक खाते हैं वो आप ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर व्रत वाला नमक ऐड कर दे रही हूँ इसमें। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी काली मिर्ची, जिसको मैंने कूट लिया था, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और बस इन सारी चीजों को हम लोग एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो नमक और काली मिर्ची है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। वाओ, आप देख रहे हैं हमारी जो चाट है वो एकदम बढ़िया सी बनकर के रेडी हो चुकी है, एकदम लाजवाब और एकदम टेस्टी। बस तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, ये हमारी आलू चाट बनकर के रेडी हो चुकी है व्रत के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको एक बाउल में निकाल देती हूँ फटाक से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप लेमन खाते हैं व्रत में तो यहाँ पर आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लेमन नहीं खाते तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेमन ऐड नहीं करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको बंद कर दूंगी, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और बस इसको सर्व कर दूंगी सर्विंग बाउल में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर आलू चाट को फटाक से सर्व कर दिया है सर्विंग बाउल में, और आप देख रहे हैं कितनी शानदार बनकर के रेडी हो चुकी है हमारी यहाँ पर आलू चाट, जो व्रत के लिए है। व्रत में अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके से आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।